हैं, कब आपसे पहले मेरी आपसे बातचीत हुई है, कहाँ पर होते हैं अभी आप? इराक में? सर जी, इराक में। इराक में होते हैं, और हमारी कंसल्टेशन बात हुई थी काफी टाइम पहले, 2-3 महीने पहले। फोटो नहीं आ रही आपकी भाई? सर आपने रिकॉर्डिंग की है, मैं रिकॉर्ड नहीं कराना चाह रहा। क्यों क्यों नहीं कराना चाह रहे? नहीं, मैं अभी अभी मैंने अभी फैमिली वाले को नहीं बताया अभी। फैमिली को कोई नहीं, कोई बात नहीं, तो अब हम रखेंगे अपने पास रखेंगे, हम दिखाएंगे नहीं किसी। वो आप पब्लिश कर देते हैं ना? नहीं अभी नहीं पब्लिश करेंगे ना, अभी हम इसको डाल देंगे, जब आप कनाडा में आ जाएंगे तब कर देंगे। नहीं सर, पब्लिश नहीं करें। मैं तो सिर्फ आपको इसलिए बताया कि आपने कहा था जब हो जाएगा कंक्लूड तो मुझे बता देना, अच्छा इसलिए आपको फोन करने के लिए किया ताकि मैं इन्फॉर्म कर दूँ आपको। ठीक है, बताएं, चले बताएं, आप शक्ल छुपा ले, बताएं क्या क्या है आपका, क्या सिचुएशन क्या थी? सिचुएशन बस थी, स्टूडेंट वीज़े की एप्लीकेशन थी, अराउंड 41 ये एज की, तो फिर आपसे डिस्कस किया था। कौन सा वीज़ा आपने लिया, मतलब वो कौन से एडमिशन, क्या कोर्स क्या पढ़ने गए आप? MBA का कोर्स है और यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट का। अच्छा, यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट का, ठीक है ठीक है। और यहाँ पर क्या क्या जॉब करते थे आप यहाँ पर इराक में, जहाँ पर अभी यहाँ पर? जी, इधर मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में जॉब करता था। अच्छा अच्छा सर, ठीक है ठीक है ठीक है। और कितने कितनी फीस पे करी आपने, कितने पैसे दिखाए? जी फीस पे की है 8000 के करीब जी, और पैसे अराउंड 50,000 प्लस दिखाए थे, $50,000। जी जी ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छी बात है अच्छी। फिर तो ठीक है, फिर तो आप काम हो गया, क्लियर हो गया। फिर तो आप अकेले को वीज़ा मिला है या पूरी फैमिली को? नहीं नहीं, अभी अकेले को ही मिला है। अच्छा, बाकी फैमिली को मतलब डिपेंडेंस को नहीं किया आपने? हाँ, अभी नहीं किया, क्योंकि अभी आपका आपने भी एडवाइस किया था कि अभी वो मुश्किल हो जाएगा उनके, वो फैमिली टाइज नहीं होंगी। वो अभी कहाँ है फैमिली? अभी फैमिली साथ है मेरे। फैमिली आपके इराक में ही है? जी जी जी। लेकिन उनको साथ नहीं, मतलब थोड़ा मैं क्लियर समझ रहा हूँ, उनको साथ नहीं, आपके पास तो पैसे भी हैं, उनको साथ क्यों नहीं किया आपने? आपने मना किया था उस वक्त। अच्छा 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 अच्छा, क्योंकि वो काम नहीं करती शायद, काम करती है? नहीं नहीं नहीं, काम नहीं करती। काम नहीं करती है, अच्छा समझ गया, क्लियर हो गया ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो अच्छा, फिर तो बात फिर क्लियर है, फिर तो आगे फिर तो आप जाएंगे, तो आप इसमें जाएंगे ना फरवरी, सॉरी व्हाट इज दिस, फॉल ऑफ अगस्त सितंबर में? जी जी जी, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है ठीक। तो अभी सर उसका क्या एडवाइस करते हैं, फैमिली का विजिट करना चाहिए या स्पाउस विजिट करना चाहिए? नहीं, अब तो बस हो जाने दो, पहले आप पहुंच जाओ, पहले कनाडा पहुंच जाओ, फिर देखेंगे, फिर तो फिर करेंगे आगे। कनाडा पहुंचे तो सही, पहले आपको, पहले आपकी पढ़ाई तो शुरू हो। हाँ, सही है। हाँ, पढ़ाई शुरू होती है फिर होती है। कितने दिन प्रोसेस में लग गई है, एक आध महीने में कितना, कब रिजल्ट आ गया? तीन माह लग गए। ठीक है ठीक है। और किया आपने, अपने आप ही किया, किसी के उससे कंसल्टेंसी कराया? नहीं, अच्छी बात है, फिर तो फायदा हो गया आपको काफी। हाँ, ठीक है। कोई एडवाइस की कोई हेल्प हुई कुछ जब हमारी बात हुई नवंबर में? सर उस वक्त तो मैं थोड़ा काफ़ी डीमोटिवेट हो गया था इमीडिएटली, क्योंकि कुछ आपने यूनिवर्सिटी कैनेडा वेस्ट का थोड़ा कह दिया था, या इसमें तो कोई भी एडमिशन ले लेता है जिस तरह भी जी, इसमें नहीं करना चाहिए। फिर आपने कहा चांसेस काफ़ी कम हैं, लेकिन अगर आपने फीस दे दी है तो फिर ट्राई कर लो। लेकिन मुझे कोई खास उस वक्त, मैं काफ़ी डीमोटिवेट हो गया था आपसे कॉल पर बात करने के बाद, क्योंकि वो काफ़ी नेगेटिव चीज़ें हाईलाइट की थी, वो ठीक भी होंगी आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, लेकिन वो यूनिवर्सिटी भी आपने कहा कि मुश्किल हो सकता है। फिर आपने कहा आप ऑलरेडी आउट ऑफ कंट्री हो, तो आउट ऑफ कंट्री से अप्लाई करोगे तो हो सकता है आपको नहीं लगेगा, क्योंकि उनको पता है मिडिल ईस्ट से लोग जाते हैं और फिर वापस नहीं आते हैं। और फिर आपने कहा कि पैसे भी आपके पास कम हैं, तो वो पैसे तो आपके पास $50,000 हैं, आपके पास पैसे कम कैसे हैं? नहीं, उस वक्त आपने यही कहा था कि कम है, तो इसलिए मैं फिर फैमिली का भी रुक गया। Let me just revise this again. आपके पास फीस देने के बाद $50,000 आपने शो करे हैं? जी जी, ऐसा ही है। नहीं, पैसे तो ठीक है, फिर पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस टाइम में पैसे नहीं होंगे शायद आपके पास, से नहीं है, पर अभी 50,000 इज इनफ एक्चुअली खर्चे के लिए, तो पैसे तो वो हैं। और बाकी यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा वेस्ट तो ठीक है, आप जाके खुद ही मालूम पड़ जाएगा, वो ठीक है, जैसी भी यूनिवर्सिटी है, चाहे उसका स्टैंडर्ड अप है डाउन है, जैसे भी है, हमारा आपका मकसद तो ये था कि आपको वीज़ा मिलना चाहिए,
तो वो तो चलो जो भी है, इससे भी अच्छी बेहतर यूनिवर्सिटीयां हैं वैसे बाकी। चलो हाँ, बस वो जिसमें एडमिशन आपका पहले आ जाए तो, और फिर मेरे वो प्रीवियस एजुकेशन से प्रोग्रेशन भी उसी से शो हो रहा था, क्योंकि वो ACCA के स्टूडेंट को जी एंटरटेन कर रहे थे, तो जी जी इसलिए वो पाथवे उसका क्लियर हो गया। जी 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 ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छी बात है। चलें फिर तो कोई बात नहीं, आप करें, आप करें, ठीक है, मैं इन आप टच करें। रहूँगा आपसे बिल्कुल, तो फिर आगे आपसे डिस्कस करूँगा फैमिली का भी, तो उसका आपसे गाइडेंस लूँगा डेफिनेटली। जी 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 ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ओके, गुड बाय।